लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे सुंदर से जगह में, पूरा सीनिक ब्यूटी जिसे कहते हैं, उधर हम लोग जा रहे हैं। मुझे पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन मैं फॉलो कर रहा हूँ मेरे बाकी भाइयों को, वो लोग मुझे दिखाएंगे कहाँ जाना है, तो हम लोग फॉलो करके जा रहे हैं। 3 गाड़ियों का कॉन्वो है, उधर हम लोग जाके लाइव बारबेक्यू करेंगे। तो आई होप दिस डे गोस वेल एंड आई होप दिस कैमरा डज जस्टिस टू द व्यू। अगर व्यू अच्छा होता है तो कैमरे पे दिखना चाहिए अच्छा, और जो भी व्यू एक्सपीरियंस मैं करूँगा आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। क्या बोलते हो भाई लोग, शेयर करूँगा कि नहीं? हाँ हाँ। तो टोटल हम लोग 14 लोग जा रहे हैं, और जाकर जो सीन बनता है उधर वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलो लेट्स गो। I feel the past in my bones, my dream I'm naked and alone, I'm feeling weak. अगर आप इधर आते हो तो आपको खाना पानी सैनिटरी पेपर कुछ भी जो आपको ट्रेवलिंग के टाइम बहुत ट्रेवलिंग नेसेसिटीज है वो आपको लेकर आना है, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है, एक दुकान भी नहीं मिलेगा। बस बहुत दूर एक मार्केट था तो उधर आपको दिखेगा, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं है, सब आउटडेटेड रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आपको जब भी इधर आना है तो आप सब कुछ सामान लेकर ही आइए। Yes guys, ladies and gentlemen, boys and girls, I'm here at my destination, जिसका नाम शायद मैंने आपको नहीं बताया, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उस जगह का नाम है पानीमूर, द ब्लू पैराडाइज। इस जगह को ब्लू पैराडाइज क्यों कहते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा मेरे वीडियो में। आज का अपना ट्रिप का खासियत यही रहेगा कि आज हम लोग लाइव बारबेक्यू करेंगे, वो भी पूरे वाटरफॉल के सामने। शायद ही हमारे इधर किसी ने किया, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अगर आप भी आते हो आपको करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा कष्ट है उसमें, लेकिन कष्ट उठाना तो पड़ेगा। कुछ अच्छे कामों के लिए कुछ अच्छे मेहनत तो ज़रूर चाहिए होता है। तो अभी मैं आ गया हूँ इधर, तो आशा करता हूँ कुछ ड्रोन शॉट्स आपको दिखाऊँ पहले, उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आपको अपने पूरे स्क्वाड से। सो लेट्स गो। हेलो एवरी स्क्वाड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स योर अर्शद सईद एंड यू आर वाचिंग अर्शद ब्लॉग्स। यस, यू आर वाचिंग अर्शद ब्लॉग्स एंड लेट्स एंजॉय द व्यू। शायद ही मेरे लिए पॉसिबल हो पाए आपको ये व्यू दिखाना, और मुझसे जितना भी पॉसिबल होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। सी दिस व्यू एंड दिस इज हार्ट टेकिंग, लेट्स गो। It's been 1.5 hours and I'm here. Time is flying like anything. I cannot express my words. मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, एक घंटा कैसा बीता मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। जो व्यू इधर मैं देख रहा हूँ, देख के जो सुकून और ठंडक मुझे मिल रहा है वो मैं अभी एक्सप्रेस कर रहा हूँ आपको ये वीडियो के थ्रू। हो सके ये वीडियो मैं आपको अच्छी तरह से दिखा नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन जितना भी मुझसे हो पा रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दिस व्यू इज ऑसम, आपको आना चाहिए। मैं बस यही बताना चाहता हूँ, वीडियोस अपार्ट एन्जॉयमेंट पूरा हो रहा है। सो आई गिव इट 5 out of 5 stars। ऐसे ट्रिप में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जब ग्रुप आपके साथ होते हैं और पूरा जब खाना, स्पेशली बीबीक्यू, आधे घंटे का जगह जो हम लोग ने कवर किया, बस वो थोड़ा ख़राब रोड था। एग्जैक्टली होजाई से ये पानीमूर 57 to 56 किलोमीटर है, बिल्कुल टाइम नहीं लगा अपने को आने में, इधर 2 hours लग गया। आदिल तो कुछ बताना चाहेगा इस व्यू के ऊपर? गाइस यू मस्ट कम हियर एंड सी द व्यू वंस, इट्स स्लेइंग गाइस, स्लेइंग, यू विल जस्ट एंजॉय इट टू द एक्सटेंट एंड यू विल जस्ट लव इट गाइस, जस्ट कम हियर, जस्ट कम हियर, आई सजेस्ट यू जस्ट कम हियर एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट।
यस एग्जैक्टली. तो मैं भी मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को कैमरा को थोड़ा हटा के रखूँ और अभी थोड़ा ब्लॉगिंग छोड़ के कुछ उनको हाँ हेल्प करूँ लाइव बारबेक्यू में, क्योंकि अकेले वो लोग कर रहे हैं तो मेरे को भी जाना पड़ेगा. अभी मैं भी उनको हेल्प करूँगा. और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बोलना भूल गया, जब भी हम ऐसे सीनिक ब्यूटी में आते हैं हम ये बात ज़रूर बताते कि अरे भाई ये तो इंडिया जैसा लग ही नहीं रहा है. अरे भाई जब हर चीज़ इंडिया में है तो इंडिया जैसा क्यों नहीं लगता है. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब आते हो कहीं भी जगह में इंस्टाग्राम पे पिक्चर क्लिक करके पोस्ट करना है कि हैशटैग इंडियन ब्यूटी. तो यही बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ. और बाकी अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग देखो. सलमान अक्षर ब्लॉग्स यस कोयल यस कोयल. सो गाइस हाउ इज द जोश? हाय यस दिस इज द जोश हियर. और एक घंटा कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला. एक घंटा तो उधर हम लोग व्यू देखने में चला गया और अभी और एक घंटा इधर हम भीगने में चला गया. मतलब हम लोग स्विम करने नहीं गए, लेकिन इधर एक जगह है जिधर पानी का करंट बहुत कम है तो हम लोग उधर बैठ के आराम से मतलब अपने पैर को डुबाया और लंबा टाइम म्यूज़िक सुन के टाइम वो स्पेंड किए. लेकिन अभी हम लोग वापस जा रहे हैं बारबेक्यू के उधर, क्योंकि हमें अपना खाने का कॉल आ गया और अंधेरा हो रहा है तो हमें जल्दी निकलना होगा. एग्जैक्टली घर पहुँचना होगा 6 बजे. तो तकरीबन आधे घंटे 30 to 45 minutes में हम लोगों को निकलना होगा घर के लिए. और यही बात है, बहुत मज़ा आ रहा है. अभी आप देख रहे हो हम लोगों का पूरा सेटअप रेडी हो गया. अब देख रहे हो वो जो बारबेक्यू बन रहा है उधर, दिख रहा है आपको? अभी वो बारबेक्यू इधर सर्च किया जाएगा. मुझे बहुत अच्छा लगा ये जगह, तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ ये जगह. तो इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग एंड करता हूँ. आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा. अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक बटन ज़रूर दबा दो और नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब बटन उसको ज़रूर दबा दो, क्योंकि आप ही का लव रिस्पेक्ट और प्यार मुझे मोटिवेट करता है. विद दैट सेड थैंक यू फॉर वॉचिंग अक्षर ब्लॉग्स.